बहुत इम्पोर्टेंट था, सबसे पहले बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम सबको। आई थिंक टीम के मोरल के लिए बड़ा ज़रूरी था। यंगस्टर्स थे सारे, होम सीरीज जैसे टेस्ट सीरीज खेलते हुए, आई थिंक T20 में भी क्योंकि प्रीवियस सीरीज हम हारे हुए थे, तो आई थिंक इट वाज मच नीडेड विन कॉन्फिडेंस के लिए, यंगस्टर्स के लिए और टीम के लिए। तो एक अच्छी टीम साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होम सीरीज में कामयाबी हुई, स्पेशली जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हुई नए लड़कों की, आई थिंक बड़ी खुशी की बात है और इंशाल्लाह आगे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। जी क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। सुहेल इमरान, रशीद शकूर एंड हाफिज शहबाज। मिस बॉबी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह आपने टेस्ट सीरीज भी जीती 2-0 से और T20 में 2-1 से कामयाबी मिली, तो जो इनसिक्योरिटी हम लोग नहीं बल्कि पूरे सब लोग फील कर रहे थे कोचिंग स्टाफ को लेकर, तो वो इनसिक्योरिटी जो आप लोगों के हवाले से थी, तो वो आप खत्म हो जाने चाहिए। देखिए, मैं बार बार इस चीज़ को कहता आया हूँ कि मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं भाई, ना ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में है। ऑब्वियसली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हमारे लिए यही है कि जो भी मैच हम खेल रहे हैं या सीरीज खेल रहे हैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करें और जितनी अपनी एफर्ट कर सकते हैं, हेल्प आउट कर सकते हैं लड़कों की, वो करें। जाहिर ना आपके रिजल्ट कंट्रोल में है और ना ये आपके कंट्रोल में है कि बोर्ड ने कब तक आपको रखना है या कब बोर्ड ने आपको नहीं रखना, तो इसके बारे में सोचने से और प्रेशर लेने का कोई फायदा नहीं। बहरहाल सबसे खुशी की बात ये है कि टीम का मोरल अच्छा हुआ, बहुत अच्छी सीरीजें जीते हैं, स्पेशली टेस्ट सीरीज और फिर अब T20 सीरीज। आई थिंक एक यंग जो कैप्टन है, नया कैप्टन है, उसके लिए भी बड़ा इनकरेजिंग है, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बेहतर हुआ। अस्सलाम वालेकुम मिसबा, जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक आपको। मिसबा, जो आपके इस वक्त करंट जो प्लेयर्स थे, हम टॉप ऑर्डर की बात करें, तो उस तरह की बैटिंग यानी जैसे खुशदिल शाह हैं, इफ्तिखार हैं, हुसैन तलत, आपने उनको मौके दिए, और अब जाहिर सी बात है कि कुछ प्लेयर आपके बाहर हैं, अभी टीम में नहीं हैं, शादाब हुए, इमाद वसीम हैं, हफीज़ हैं, तो ये जो ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, ये कितना मतलब मैटर करेंगे कि अगर ये प्लेयर्स वापस आते हैं, तो ये जो इस सीरीज में जो खिलाड़ी खेले हैं और जो परफॉर्म नहीं किया, तो अब वो उनका किस तरह का फ्यूचर होगा, किस तरह देख रहे हैं वर्ल्ड T20 को सामने रखते हुए कॉम्बिनेशन बनाने के लिए? देखिए, जिन लड़कों को भी चांस मिल रहा है, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अब सीरीज के बाद जिसने नहीं भी परफॉर्म किया, सीरीज के बाद PSL है उनके पास, मोस्टली लड़के PSL में है, तो आई थिंक हमारे पास फिर सीनियर्स जो बाहर हैं अभी वो भी होंगे, तो एक अच्छा पूल हमारे सामने होगा और हमारे पास एक अच्छी चॉइस होगी कि जो इन फॉर्म है, जो उसमें शो करता है, जो बेटर परफॉर्मेंस के साथ आता है या मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस करता है, तो हमारे लिए वो लड़के भी, सीनियर्स भी अवेलेबल होंगे, और फिर इनमें से भी अगर कोई लड़के करते हैं या कोई और नए लड़के भी करते हैं, तो आई थिंक ये हमारे लिए अच्छी चीज़ होगी कि हमारे पास एक अच्छा पूल लड़कों का PSL के बाद आएगा, और ज़्यादा हमारी सिलेक्शन और ज़्यादा जो क्वालिटी है हमारी टीम की वो बेहतर होगी। अस्सलाम वालेकुम इस्बा, पहले तो मुबारक हो बहुत बहुत कि आप होम ग्राउंड पे दोनों टेस्ट सीरीज भी जीते, उसके बाद T20 सीरीज भी जीते। इस्बा, अगर हम देखें जो पिचेस खासतौर पर यहाँ T20 सीरीज में, तो जाहिर ऐसा लग रहा है कि टेस्ट प्लेयर की पिच है, कि ब्रेक हो रहा है बहुत ज्यादा, तो क्या कहेंगे पिचेस के मैार के हवाले से? और अगर हम देखें मोहम्मद रिजवान के अलावा बाबर आजम अनफॉर्चुनेटली पहले मैच में रन आउट हो गए, उसके बाद दूसरे, तो वो हमारी बैटिंग ऐसा लग रहा है जैसे वन मैन शो है, तो पिचेस के हवाले से क्या कहेंगे और बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? देखें, ये ऐसे टाइम पे अभी क्रिकेट हुई है, कभी ऐसे टाइम पे क्रिकेट हुई नहीं, और किसी को भी आइडिया नहीं कि पिचेस, बजाहिर तो बिल्कुल बैटिंग पिचेस हैं, शायद वेदर की वजह से थोड़ा सा इस किस्म का बिहेवियर है, और क्योंकि ओस पड़ती है और ओस पड़ने से थोड़ी स्टिकीनेस आ जाती है, तो वो फिर उसकी वजह से बिहेवियर जो है वो पिचों का थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, जैसे क्रिप हो रहा है गेंद और थोड़ा सा फंस रहा है, तो ये रीजन हो सकती है। बट ओवरऑल आई थिंक के इसी वजह से बैट्समैनों ने स्ट्रगल किया दोनों तरफ, आज साउथ अफ्रीका की तरफ से भी उनके बैट्समैन भी कोई उस तरीके से नहीं खेल सके, बट ओवरऑल आई थिंक बॉलिंग अच्छी है, स्पिन बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की है,
जहाँ जहाँ खामियां हैं जाहिर है वो नजर आ रही हैं, गलतियां कर रहे हैं हम लोग स्पिन को खेलने में। अभी हमने अगर इंडिया में हमने खेलना वर्ल्ड कप, तो आई थिंक बड़ी हमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हमें बेहतरी लानी है इसमें। नो डाउट कुछ प्लेयर आएंगे तो उससे फर्क पड़ेगा, बट आई थिंक जो ऑब्वियस हमें चीजें कमजोरियां नजर आई हैं उस पर हमें बहुत काम करने की जरूरत है। इंशाल्लाह इन चीजों पे आइंदा काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड कप से पहले पहले हम और बेहतरी लाएं अपने स्पेशली बैटिंग अगेंस्ट स्पिन। जी रिक्वेस्ट सबसे ये प्लीज एक एक क्वेश्चन करेगा, टाइम शॉर्ट है, हमने विद इन 10 मिनट्स निकलना है, तो प्लीज सब एक एक क्वेश्चन करें और रेपिटेशन ना हो। जी अंस, कादिर ख्वाजा एंड देन यूसुफ फंजुम। मिसबा भाई, मैंने इफ्तखार के हवाले से बात करनी है। इफ्तखार अहमद को काफी देर से मौका दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि वो आउट ऑफ फॉर्म है, अपनी सलाहियतों का जो मुजाहरा नहीं कर पा रहे हैं, इसकी क्या वजह हो सकती है? और दूसरा, हसन अली को पहले 2 मैचेस में मौका नहीं दिया गया, तो इसका थोड़ा सा बता दें, तीसरे मैच में उनको जो यार प्लेस किया प्लीज गया। एक एक क्वेश्चन आंसर प्लीज, सबसे रिक्वेस्ट है क्योंकि सबकी टर्न आनी है, हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है। प्लीज थैंक यू। इफ्तखार और हसन अली, जी हसन का, क्योंकि हसन बहुत लंबा सीजन खेल के आया, फिर टेस्ट मैचेस खेला, तो इस वजह से उसको रेस्ट दिया और देखा कि इम्पोर्टेंट मैच में उसको लेके आए हैं। और जहाँ तक इफ्तखार की बात है, ऑब्वियसली बाकी भी काफी प्लेयर्स हैं जिनको मौके मिले हैं, परफॉर्म नहीं कर सके अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक इन सबके पास एक मौका है। जाहिर है डिस्कार्ड, मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी भी प्लेयर को आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते, वो चाहे कुछ दिल है चाहे इफ्तिखार है, इट्स ऑल अबाउट करंट फॉर्म किसकी क्या है। डेफिनेटली अभी PSL में खेलेंगे, देखेंगे उसके बाद कि क्या कम्बिनेशन बनता है, कौन आता है टीम में कौन नहीं आता। इनके पास अभी स्टिल चांस है, जितने भी प्लेयर हैं जो नहीं परफॉर्म कर सके कि जाएं दोबारा से वहां पे परफॉर्म करें और देखें कौन जगह बनाता है और कौन नहीं। ऑब्वियसली सिलेक्शन कमेटी चीफ सिलेक्टर देखेंगे कि हाँ जी किसकी फॉर्म कैसी और कौन किस तरीके से टीम में आ सकता है। आई थिंक ओवरऑल थोड़ा सा पिचेस भी जिस तरीके से खेली है उसकी वजह से भी बेरहा बैट्समैनों को डिफिकल्टी हुई। जी अस्सलाम वालेकुम विश्व भाई, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, जिस तरह की टेंथ सिचुएशन से आपने लोगों लड़कों का मोराल बुलंद किया और अपना भी मोराल हाई किया, सीरीज जीती। आसिफ अली T10 में काफी अरसे से मतलब देखा हमने, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं थी उनकी, और जाहिद महमूद का एडिशन हुआ, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, दोनों पर क्या कहते हैं? जी जाहिर है जी, हम आसिफ अभी वनडे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म कर किया उसने, T20 टूर्नामेंट में भी ठीक थी उसकी परफॉर्मेंस। और ऑब्वियसली आज देखा, दो जो हमारे मिडिल ऑर्डर में बैट्समैन उनसे रन नहीं हो रहे थे तो उसको लेके आए, नहीं हुई परफॉर्मेंस, बट जाहिर है एक मैच उसको मिला है, आगे देखेंगे। बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि बाकी लड़के भी PSL खेल रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि कौन किधर स्टैंड करता है। जाहिद महमूद ऑब्वियसली स्पिन हो रहा था बॉल और यही जहन में था कि विकेट टेकिंग ऑप्शन को लेके आते हैं, खिलाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि दोनों लेग स्पिनर से अगर हम विकेट लेके प्रेशर डाल सकते हैं। तो आई थिंक उसने बड़ा जबरदस्त डेब्यू बॉलिंग की और जो सोचा था उसी तरह ब्रेक थ्रू रहे के, मेरे ख्याल में अर्ली ऑन काफी डैमेज किया साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइन, तो बड़ी एक मिसबा जिस तरह अच्छी खुशाइन खबर है पाकिस्तान के लिए। मिसबा जिस तरह हमने देखा कि टॉस का किरदार बड़ा अहम रहा T20 सीरीज में, तो क्या फ्यूचर के लिए PCB को क्या तजावीज देंगे? तो कुछ लोगों का कहना है कि ये मैचेस अगर जल्दी शुरू किए जाते हैं तो ज्यादा बेहतर था, क्योंकि जो टीम टॉस जीतती है उसी को ज्यादा एडवांटेज मिल रहा था। मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं एडवांटेज, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि स्प्रे के बाद स्पिनर्स को इश्यू नहीं था, ग्रिप बॉल हो रहा था, कोई ऐसा मसला नहीं हुआ कि गेंद स्लिप पर, थोड़ा स्लाइटली आप कह सकते हैं कि कंडीशन थोड़ी सी पिच की कंडीशन थोड़ी बेहतर होती थी सेकंड इनिंग में। बट मैं फिर कहूंगा कि डिपेंड करता है, टॉस में थोड़ा बहुत एडवांटेज आपको मिलता है, लेकिन ओवरऑल इम्पोर्टेंट ये है कि आप कौन सी टीम अच्छा खेलती है,
जैसे पहले मैच में हम लोग अच्छा खेले, अच्छा टारगेट दिया और उसको डिफेंड किया, एंड तक बॉल स्पिन भी हो रहा था और अच्छा ग्रिप भी हो रहा था। दूसरे मैच में हम उस तरीके से टारगेट सेट नहीं कर सके। जो एक एवरेज स्कोर है गदाफी स्टेडियम में 160 प्लस आप करते हैं 170, तो आपके पास जीतने के चांसेस होते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क था, बट इतना ज्यादा कोई एडवांटेज नहीं था। बहुत ज्यादा ड्यू की वजह से गीला हो रहा है गेंद और बिल्कुल बॉलर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो आई थिंक ऐसी कोई चीज नहीं थी। जाहिर है ये बोर्ड बेहतर जानता है, बड़ी चीजें होती हैं टाइमिंग के मामले में कि कैसे उसको देखना है, कैसे रखना है, कौन सा टाइम रखना है। तो ये वो बेहतर समझते हैं कि कौन सा टाइम और किस टाइम पे मैच। जी प्लीज, नेक्स्ट हैं दाने सॉरी उमर, देन अकील एंड देन बाकी प्लीज। थैंक यू रजा। मिस्टर भाई, ऑल दो पाकिस्तान ये सीरीज जीता है, लेकिन हम ये सीरीज खत्म कर रहे हैं विद मोर क्वेश्चंस। अभी तक कुछ सेटलमेंट समझ नहीं आ रहे कि पाकिस्तान 8 महीने बाकी है वर्ल्ड कप के लिए, वर्ल्ड T20 के लिए, लेकिन पाकिस्तान सेटल्ड नजर नहीं आया। ऑल दो हम जीते जरूर हैं, लेकिन आपका मिडल ऑर्डर देखा फ्रजाइल है, ऊपर से टॉप ऑर्डर देखा, बाबर ने 2 मैचेस में नहीं किया, थर्ड में नंबर चेंज करना पड़ा, तो कुछ सेटल्ड नजर नहीं आ रहा। तो हमें देखते हुए लग रहा है सेटल्ड नहीं, क्या आप खुद सेटल्ड है, आपको फील हो रहा है कि हम एक अच्छी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं? देखें अभी तो बहुत मैचेस हैं, हम अभी से क्यों फिक्र कर रहे हैं कि वर्ल्ड कप कल नहीं है, हमने अभी 20 मैच खेलने हैं। ये तो अच्छी चीज है कि हम ऐसे जो जैसे आज का मैच हुआ, ऐसे टेस्टिंग मैच जब होते हैं तो आपकी टीम का टेम्परमेंट बनता है, फाइटिंग स्पिरिट बनती है, फिर आपके कुछ की प्लेयर्स भी नहीं है। और ये ऐसा फॉर्मेट है या क्रिकेट में ऐसा है कि एक भी प्लेयर आपका आगे पीछे हो तो उससे फर्क पड़ता है। तो आई थिंक जब वो आपके प्लेयर्स पूरी तरीके से आपको फुल स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है तो बहुत फर्क पड़ता है, स्पेशली T20 में किसी एक बैट्समैन से या किसी एक आपके मेन प्लेयर से बड़ा फर्क पड़ता है। तो होपफुली शादाब नहीं है, इमाद नहीं है, हफीज नहीं है, तो और भी अभी हमारे पास ये PSL है, PSL में भी परफॉर्मर आएंगे। और मुझे लगता है कि हम अगर इस सिचुएशन में हमने सीरीज जीती है तो वी विल बी इन अ वेरी गुड पोजिशन आफ्टर दिस PSL गोइंग फॉरवर्ड इन टू द T20 वर्ल्ड। जी अकील भाई, बाकी आप प्लीज पूछिएगा। बाकी प्लीज क्वेश्चन करें। जी मिसबा, पहली बात तो आप समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान के बॉलर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की आगाज में, लेकिन उसके बाद जिस तरह मिलर ने 164 तक हदफ 65 तक पहुंचाया, कितना आपके लिए, हमने देख रहे थे कि टीवी पे आपको जब दिखाया तो काफी आप परेशान दिखाई दे रहे थे इतना स्कोर होने के बाद और जिस तरह विकटें गिरी हैं, तो क्या आप समझते हैं कितना मैच का टर्निंग पॉइंट क्या था कि आप समझते थे कि इतना स्कोर होने के बावजूद और बाबर आजम रजवान के आउट होने के बाद मैच में पाकिस्तान आ जाएगा वापिस? देखिए थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब आप इतने प्लेयर आउट कर लेते हैं तो उसके बाद आप सोचते हैं कि यार ठीक है, अराउंड 100, 110, 15, 20 तक आप एक टाइम पे लगता था कि 70 इवन अंडर 100 आप आउट कर लेंगे। बट क्वालिटी प्लेयर है मिलर, एक्सपीरियंस उसका T20 का, स्पिन को भी जिस तरीके से वो खेलता है और ऑल अराउंड द वर्ल्ड स्पेशली IPL का इतना एक्सपीरियंस है और इंटरनेशनल क्रिकेट का इतना एक्सपीरियंस है, आपको एक आउटस्टैंडिंग इनिंग उसने खेली है। ये नहीं कि कोई बॉलिंग हमने उसको इस तरह की किया, आई थिंक उसने जिस किस्म के शॉट्स खेले हैं, अच्छी खासी टर्न हो रही थी बॉल, अच्छी बॉलिंग को उसने जिस तरीके से वो इनिंग बनाई है, आई थिंक फुल क्रेडिट टू हिम। कई दफा आप अच्छा भी कर रहे होते हैं लेकिन आपकी अपोजिशन में कोई प्लेयर ऐसा आउटस्टैंडिंग खेल जाता है और आप आपको उसकी डिसअपॉइंटमेंट ऑब्वियसली फील होती है। उस टाइम हो रही थी कि यार हम 100 पे कहाँ पे आउट कर रहे थे और कहाँ 164, लेकिन फिर भी उम्मीद थी कि कोई ये पार स्कोर है यहाँ पे और विद स्लाइटली ड्यू और सेकंड टाइम थोड़ी सी पिच बेहतर होती है तो होपफुली हमें स्टार्ट अच्छा मिल गया। और अगर हम कहीं 12 ओवर्स 13 ओवर्स तक 100 तक जाते हैं और हमारे पास विकटें हुई नीचे, हमारे पास काफी अच्छी डेप्थ है हमारी बैटिंग में, तो पूरे ओवर अगर हमारे ऊपर के 8
आठवें नंबर पे हसन था, ये खेल गया तो होपफुली इंशाल्लाह ये चेज हो सकता है। तो आई थिंक वो स्टार्ट बड़ा इम्पोर्टेंट था, स्टार्ट अच्छा मिला है, उसके बाद जो है वो चीजें काफी बेहतर हुई। फिर बाबर की इनिंग बड़ी इम्पोर्टेंट थी, आई थिंक एंड पे हसन ने और नवाज ने बड़ा अच्छा फिनिश किया उसको, थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन सबने किया। जी बाकी देन आमिर मिश्रा, आप पहली T20 सीरीज जीते हैं जब से आप टीम मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। हम अवे हार जाते हैं, हम होम जीत जाते हैं, तो यहाँ से आपने ऐसे मनफी पॉइंट क्या हासिल किए हैं जो कि आप अवे जाके उन पे काम करके बेहतर कर सकते हैं, जो आपको पिक्चर नजर आई हो होम पे खेल के? देखें सीरीज जीतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट था ऑब्वियसली। जो सबसे अहम चीज है कि इंग्लैंड सीरीज कई दफा जो है ना वो जो रिजल्ट हैं जो स्टैट्स हैं वो आपको उस तरीके से पिक्चर नहीं दिखाते। इंग्लैंड सीरीज आई थिंक हम बहुत अच्छा खेले, पहला मैच बारिश की वजह से जो आगे पीछे हुआ हम बड़ी अच्छी पोजीशन में थे, तो दूसरे मैच में भी हमने उसका अफसोस रह गया कि 190 प्लस करके हम लोग वो मैच हारे, तीसरा मैच जीते। तो ये बात नहीं है कि हम बाहर जाके कोई अच्छा नहीं खेल रहे, टाई करके आए सीरीज जो कि हमारी जीतने वाली थी। अगर पहला मैच पूरा होता तो चांसेस थे कि हम जीत के आते। न्यूजीलैंड में भी आपके सामने हालात, हमने वहां पे भी T20 में कोई बुरी क्रिकेट नहीं खेली, जिस किस्म की हालात में 5-6 दिन की तैयारी 19 दिन के बाद हम खेल उसके बाद खेले हैं विदाउट एनी मैचेस विदाउट एनी प्रैक्टिस, और फिर भी कंपेटिटिव थे तीनों मैचेस में और बड़ा कम मार्जिन से मैच हमारा फाइनली एक मैच हमने जीता। तो ये बात नहीं है, मेरे ख्याल में फहीम के आने से और फास्ट बॉलिंग में हमारी स्ट्रेंथ जिस तरीके से सारे बॉलर हमारे कर रहे हैं, आई थिंक हम बाहर भी हमारी टीम की जो फोर्स है हमारी जो टीम है वो बेहतर है। फिनिशिंग हम नहीं कर सके बट आई थिंक विद एक्सपीरियंस विद मोर कॉन्फिडेंस इंशाल्लाह ये टीम जिस तरीके से बैटिंग में परफॉर्मेंस बाहर देना शुरू हुई है इंशाल्लाह उम्मीद है अच्छे रिजल्ट आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा, मिसबा दानिश अजीज को आप चांस नहीं दे पाए, मतलब 3 मैच थे तलब हुसैन तलब खेल गए लेकिन दानिश को चांस नहीं मिला, क्या वजह थी और उनके लिए आपका क्या मैसेज है? बिकॉज यू नो दिस वुड हैव बीन अ ग्रेट टाइम फॉर टू ट्राई आउट। जी आई थिंक ही वाज वेरी क्लोज टुडे, ही वाज वेरी क्लोज टुडे, वी जस्ट ही वाज बेसिकली इट वाज इन बिटवीन, तो थोड़ा सा हमें ये था कि इम्पोर्टेंट मैच है इसके साथ भी ज्यादती हो जाएगी इतने क्रूशियल मैच में प्रेशर मैच में, बिकॉज आई थिंक अच्छा प्लेयर है और स्पेशली वो स्पिन के साथ ऑप्शन भी देता है एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड के इंशाल्लाह इसको हम आगे जरूर कंसिडर करेंगे और देखेंगे। बस मैंने बताया ना कि आज काफी क्लोज था बट सिर्फ ये थॉट थी कि बिल्कुल ही सारी बैटिंग मिडिल ऑर्डर में चेंज ना करें, थोड़ा सा प्रेशर गेम है, बस ये सोच के फैन तलत को एक चांस और दिया। जी अरसलान प्लीज। मिसबा भाई ये बताइएगा कि जो सिचुएशन में हमने दोनों मैचेस जीते हैं क्या आप समझते हैं कि ये अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है हमारे लिए और आप इस सीरीज की जो आप कह रहे हैं कि लड़कों ने अच्छा परफॉर्म किया है तो आप इस सारी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? जी बिल्कुल, हम कौन सा यार कोई नंबर 12 से खेल रहे थे, हम साउथ अफ्रीका से खेल रहे थे तो कितनी सीरीजें हम जीते हैं पहले उनसे T20 की। तो आई थिंक उनकी अच्छी टीम थी, ठीक है उनके भी उन्होंने भी थोड़े से लड़के उनके मेन टीम के नहीं थे बट ये लड़के उनके T20 के बेस्ट लड़के हैं जो पीछे परफॉर्म कर रहे हैं उनके डोमेस्टिक में और हमारे भी काफ़ी लड़के नए थे। आई थिंक जीत जीत होती है, उसका कॉन्फिडेंस और स्पेशली जिस किस्म का मैच आज जीते हैं, पहला मैच भी जिस सिचुएशन में जीते हैं टफ सिचुएशन थी, सेकंड टाइम डिफेंड करना इतना आसान नहीं है और आज का मैच भी जब ऐसे मैच आप क्लोज मैच और इतने फाइट वाले टीम परफॉर्मेंस के साथ जीते हैं तो वो आपकी जो खामियां हैं वो तो आपको नजर आ रही हैं जाहिर है, वो आप उनमें इम्प्रूवमेंट उनके साथ अगर आप फिर फाइट करके ऐसे मैच जीते हैं तो फ्यूचर में उनको थोड़ा सा अगर आप खत्म कर लें उन पे काम कर लें तो आपके लिए परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा आपके पास मेरे ख्याल में चांसेस है।
होपफुली इंशाल्लाह ये कॉन्फिडेंस जो है वो टीम के काम आएगा और जीत जीत होती है उसके बाद आप डेफिनेटली बेहतरी की तरफ जाते हैं। थैंक यू वेरी मच सबके।